उनसे संबोधन करते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। वैसे तो हर शनिवार को एक अवसर होता है किसी न किसी वर्ग के साथ मेरी बातचीत होती है, लेकिन आज एक विशेष मुझे इस प्रकार से महसूस हो रहा है कि जैसे आप सब लोग फूड आइटम्स और खास करके स्वादिष्ट चीजें, व्यंजन ये सब बनाते हैं, तो मैं बातचीत करते हुए ऐसा ही महसूस कर रहा हूं जैसे बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन स्वाद ये सब मेरे सामने आ गए हैं। और आप तो चूंकि स्वयं बनाते हैं, शायद आपको आनंद ना आता हो, लेकिन जो नहीं बनाते हैं वो आज की बातचीत सुन करके निश्चित रूप से उनको ये अनुभव हो रहा होगा। आप लोग अपना उद्योग जो चलाते हैं इसकी कुछ विशेषताएं हैं। एक विशेषता ये है कि आप खास करके जो खाद्य पदार्थ जितने भी हमारे रॉ मटेरियल के नाते से उत्पाद होते हैं वो सब कृषि से जुड़े हुए हैं। और कृषि चूंकि हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, इसलिए कृषि प्रधान प्रदेश में हमारे किसान का जो उत्पाद है वो आसानी से बिके, उसको ठीक दाम उसको मिल जाए, तो ये बहुत बड़ा विशेष काम है कि जो आपके उद्योग के माध्यम से उनको लाभ हो रहा है। इसी प्रकार खाद्य ये जो संस्करण की जितनी भी परियोजनाएं हैं, जितने भी हमारे फूड प्रोसेसिंग के उद्योग हैं, इसमें रोजगार भी तुलनात्मक मैं समझता हूं अन्य किसी उद्योग की अपेक्षा सबसे ज्यादा रोजगार इसमें मिलता है। तीसरा, आपके उद्योग के साथ बहुत से और उद्योग भी निकलते हैं, सहायक इकाइयां उनकी जरूरत होती है, जैसे पैकिंग मटेरियल है, जैसे कुछ ना कुछ फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री में कोल्ड स्टोरेज होते हैं, जो फसल जल्दी खराब होने वाली होती है उसको स्टोरेज करके ही बचाया जा सकता है, तो फूड स्टोरेज के माध्यम से आप उन चीजों को वर्ष भर प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे यही एक उद्योग है जिसका बहुत अधिक लोगों को लाभ हो रहा है। जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या का दबाव ये बढ़ रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है, और स्वास्थ्य के प्रति भी ये एक लोगों की जागरूकता ये बढ़ रही है, तो इसमें एक विशेष आज के समय में अपने इस उद्योग का महत्व हो गया है। आप हम सब ये भी जानते हैं कि प्राचीन काल में या भूतकाल कहना चाहिए, बहुत वर्षों पहले नहीं बल्कि कुछ वर्षों पहले तक ये फूड और व्यंजन का जो काम है ये हमारे परिवार के लोग किया करते थे। हमारी दादी, नानी, हमारे बड़े बुजुर्ग वो ऐसे तरह तरह के व्यंजन बनाने में कितना ही तरह का हमारा जो किचन का काम होता था वो किया करती थी और प्रिजर्व भी करते थे। मुझे याद है भिवानी के अंदर हमारे एक जानकार परिवार, मैं एक बार उनके साथ भोजन कर रहा था उनके परिवार में, तो उन्होंने एक अचार निकाल करके मेरी थाली में परोसा, विशेष प्रकार का स्वाद था उसमें। मैंने पूछ लिया कि बगड़िया जी ये अचार तो बहुत पुराना लगता है, कहने लगे हाँ बस केवल 17 साल पुराना है। यानी 17 साल पुराना अचार मुझे वो खिला रहे हैं। तब मुझे उन्होंने अपनी बात बताई कि उनके परिवार में सैकड़ों वर्ष से ये परंपरा चलती है कि 17 साल पहले का अचार खाया जाता है और हर वर्ष 1000 का मटका नया डाला जाता है, हर वर्ष एक मटका समाप्त किया जाता है, तो 17 के 17 जो बड़े कंटेनर होते हैं जिसमें अचार डाला जाता है वो एक कमरे के अंदर रखे जाते हैं। तो ये इस प्रकार की प्रथा हमारे यहाँ पहले चलती थी। घरों के अंदर हमारी जो माताएं, हमारी दादी, हमारी नानी, यानी तरह तरह के पापड़ बनाने, बढ़िया बनानी, तरह तरह के इस प्रकार की चीजें उपयोग करती थी, जो आज बाजार में है शायद उस प्रकार का स्वाद देने वाली चीजें आज नहीं है। तो भी ये चीजें आज के समय में क्योंकि घरों में होनी बंद हो गई हैं और आधुनिकता के आधार पर इसकी आवश्यकता हमें बाजार में पड़ने लगी है, मात्रा भी अधिक चाहिए, तो उसी में से हमारे उद्योग का जन्म हुआ और ये उद्योग बहुत बड़ी मात्रा में आज पूरे देश में हो रहा है। जहां तक मेरे पास जानकारी है कि वर्ष 2022 में फूड प्रोसेसिंग का उद्योग 22 लाख करोड़ रुपए का था और अनुमान है कि 3 वर्ष के बाद ये बढ़ करके 35 लाख करोड़ रुपए का ये अनुमान हो जाएगा, ऐसा हमको जानकारी है। हरियाणा की अगर बात करूं तो हरियाणा में 28,000 यूनिट्स इस प्रकार के लगे हुए हैं जो फूड प्रोसेसिंग का ये काम करते हैं। तो ये जो काम है हमारा, एक प्रकार से खेत से लेकर खाने की प्लेट तक जो चीजें परोसी जाती हैं उसमें फूड प्रोसेसिंग के इस उद्योग का एक अपना ही महत्व है। हम किसान के उत्पाद में वैल्यू एडिशन करके अपना लाभ भी कमाते हैं, प्रदेश और देश की इकोनॉमी में उसमें भी योगदान करते हैं। तो इस प्रकार हमने सरकार के नाते से बहुत से लाभ इस उद्योग को दिए हैं।
कई प्रकार की नीतियां हमने बनाई है, बहुत सी हमने योजनाएं बनाई है। 4 जून 2018 को हरियाणा कृषि व्यवसाय एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति 2018 ये हमने अधिसूचित की थी, जिसमें कृषि व्यवसाय तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अति अध्ययन इंफ्रास्ट्रक्चर ये हमने विकसित किया था। यानी उसमें कई उसके भाग थे जो हमने सूचित किया। पहला उसका प्रमुख बुनियादी जो पहलू था वो था कि फूड प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना, उनका विस्तार और विविधीकरण, इस सब के लिए सब्सिडी की व्यवस्था की थी, ताकि नए उद्योग को यदि सब्सिडी का सहारा मिलता है तो उसका उद्योग वायबल हो जाता है, अन्यथा उद्योग में कई बार बड़े उद्योगों के साथ हम कम्पीट नहीं कर सकते हैं, तो इस प्रकार से इसका अपना एक उपयोग हुआ। इसी प्रकार दूसरी जो योजना हमने बनाई उस योजना में बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज ये भी हमने की, और इसके अंदर पूंजी निवेश की सब्सिडी ये दी जाती है हरियाणा में ऐसे उद्योगों के लिए। हमने 4 अलग अलग क्षेत्र तय किए हैं, 4 तरह के ब्लॉक, ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी और डी श्रेणी, ऐसे 4 श्रेणियों में इन ब्लॉक्स को बांटा। सब में अलग अलग दरों के हिसाब से हमने सब्सिडी का ये प्रावधान किया। जहां तक ब्लॉक ए और बी ब्लॉक है उसके अंदर 50% के यानी सब्सिडी पूंजी निवेश के ऊपर ये प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत हमने बड़ी एक योजना में इसके ऊपर पैसा खर्च किया है, 70 करोड़ रुपए की सहायता अनुदान इसमें दिया जा चुका है। तीसरी योजना है एकीकृत कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर सब्सिडी दी जाती है। इसमें भी 35% से लेकर के 45% तक सब्सिडी ये प्रदान की जाती है, और इस सब्सिडी को यानी भंडारण के बुनियादी ढांचे, पैकेजिंग हाउसिंग, परिवहन के बुनियादी ढांचे, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 5 करोड़ रुपए की सब्सिडी इसमें दी जाती है। जहां तक अभी तक हमने इस 10 परियोजनाओं के लिए 49 करोड़ रुपए की सहायता ये दी जा चुकी है, इसका लाभ लोगों ने उठाया है। चौथी परियोजना एकीकृत मिनी फूड पार्क, इसको भी हमने प्रारंभ कराया है। इसमें ग्रुप्स यानी सी और डी ब्लॉक्स के जो श्रेणी है उसके अंदर 10 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाती है। अभी तक केवल एक ही परियोजना क्योंकि लेटेस्ट शुरू कराया है तो उसके लिए 9 करोड़ 15 लाख रुपए की सहायता ये अनुदान दिया जा चुका है। मैं कहना चाहूंगा, ये बताना भी चाहूंगा कि हमारे जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट हैं ये एमएसएमई श्रेणी के अंदर आते हैं, तो एमएसएमई श्रेणी के बहुत से लाभ ये हम देते हैं, इसका लाभ हमको सबको उठाना चाहिए। एमएसएमई में जो हमारा पंजीकरण हुआ है अभी तक पोर्टल के ऊपर 6,44,000 जो उद्यम हैं वो एमएसएमई पोर्टल पर ये पंजीकरण हो चुके हैं, जिसके अंदर 27,000 केवल फूड प्रोसेसिंग की ये इकाइयां हैं। तो इस फूड प्रोसेसिंग की इकाइयों के अंदर जो हमारी पॉलिसी है हीप 20 भी एक पॉलिसी जिसमें 4,860 इकाइयों ने और अपने आप को अप्लाई किया है इसका लाभ लेने के लिए। अभी तक 1500 इकाइयों को लाभ वितरित किया जा चुका है, 719 इकाइयां ऐसी लाभ देने की प्रक्रिया में चल रही हैं, शेष को भी जैसे उनके आवेदन के दस्तावेज पूरे होंगे उनको भी इसका लाभ मिल सकता है। इसी प्रक्रिया में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की तिथि से 7 वर्ष के लिए 100% हम बिजली शुल्क उसमें छूट देते हैं, और ये छूट आगे भी नई इकाइयां जो आएंगी उनको मिलती रहेंगी। ऐसे जो एमएसएमई के छोटे उद्योग हैं उसके अंदर बिजली को सस्ते दर पर ये दिया जाता है, इसका भी लाभ हम लोगों को देते हैं। ऐसे ही योजनाएं बहुत सी बताई जा सकती हैं। इन योजनाओं का अपना एक महत्व है, इन योजनाओं को देने से ही आखिर उद्योग आगे बढ़ सकता है। हम चाहेंगे कि हरियाणा प्रदेश कृषि प्रधान होने के नाते से ज्यादा फूड प्रोसेसिंग की इकाइयां ये शुरू करें, रोजगार को प्राप्त करें, और हम अपने उपयोग के लिए हरियाणा में जो आवश्यकता है उसका तो हम उपयोग करेंगे ही। हमारी योजना हम एक्सपोर्ट करने के नाते भी यानी फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट उसके माध्यम से हम एक्सपोर्ट करने की योजना बना रहे हैं, ताकि कोई एक निश्चित ब्रांड बना करके हम अपने यहां से चीजों को बाहर भेज सकें, ताकि उसका हम अपने यहां
फॉरेन एक्सचेंज को लाने में भी देश के नाते से भी हम उसका एक प्रकार से उपयोग कर सके, हमको लाभ हो सके। मैं निश्चित रूप से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के विकास के लिए कुछ सुझाव ये देना चाहूंगा। मैं समझता हूं आप निश्चित रूप से उस पर ध्यान करेंगे। पहला है कि हम इनकी हमारे जो उत्पाद है उनकी गुणवत्ता, ये गुणवत्ता विश्व स्तरीय मानकों के आधार पर लेकर के आए ताकि एक्सपोर्ट करने में हमको सहायता मिले, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में हम टिक सकें। इसी प्रकार दूसरा, फूड प्रोसेसिंग के दौरान जो कृत्रिम प्रिजर्वेटिव्स हैं उन प्रिजर्वेटिव्स के कारण से कई बार खाने की जो क्वालिटी है वो उसका नुकसान होता है, लॉस होता है, तो उसका उपयोग न्यूनतम उपयोग करना चाहिए। ऐसे उत्पाद तैयार करें जिसमें चीनी है, नमक है, फैट है, ये कम से कम हो। स्वास्थ्य के प्रति सचेत उपभोक्ता ऐसे खाद्य पदार्थों की मांग कर रहे हैं, इस पर हमारा ध्यान रहना चाहिए। इसी प्रकार हम जानते हैं कि आज भारत इंडस्ट्री 4.0 के दौर में डिजिटल रेवोल्यूशन का चेहरा बना हुआ है। फूड प्रोसेसिंग में भी इसका कारगर उपयोग हो रहा है, विशेषकर उत्पादों को बेचने में डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत उपयोगी साबित हो रहे हैं। ज्यादातर उपभोक्ता कोई भी खाने पीने की चीज खरीदने के समय उसकी ऑनलाइन उपलब्धता ये तलाश कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी कंपनियां आ गई हैं जो डिजिटल तौर पर जो मार्केटिंग के माध्यम से अपने उपयोग की चीजें ये घर पर मंगवाते हैं, सीधे उपभोक्ता भी उस पर अपना रजिस्ट्रेशन करा करके इन चीजों को बेच सकते हैं। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि आज के इस अवसर पर जो पाकशाला हमारे घर की पाकशाला होती थी वो पाकशाला अब हमारे हाथ में आ गई है, उसका उपयोग तभी होगा। जैसे मैंने बताया क्वालिटी ऑफ फूड ये एक बात है, अगर इन सब चीजों पर हम खरा उतरेंगे तो हमारा ट्रस्ट, हमारा विश्वास ये बढ़ेगा और हमारे प्रोडक्ट और इंडस्ट्री उसमें जो चीजें हमने बहुत पहले देखी हैं उन चीजों के आधार पर ही हमारा टेस्ट, हमारा स्वाद, हमारे स्वास्थ्य के प्रति हमारी अनुकूलता ये यदि बनेगी तो निश्चित रूप से हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। इसका हम पूरा ध्यान रखेंगे और इसी नाते से मैं आज आपको अपने इस उद्योग के माध्यम से लोगों की जो हम सेवा कर रहे हैं, भले हमारा ये व्यवसाय है लेकिन फिर भी हम अपनी इस व्यवसाय के माध्यम से अपने देश की सांस्कृतिक पहचान, अपना जो सेवा भाव है, अपनी जो विरासत है इसमें, जिसमें भारत का जायका स्वाद ये लोगों को बता सकते हैं कि व्यंजनों के नाते से जितना भारत में जितने प्रकार व्यंजनों के होते हैं शायद दुनिया के किसी देश में हो, क्योंकि हम इसको अभी महसूस कर चुके हैं। G20 में दुनिया भर के लोग हमारे देश में जो आए और अपने देश के जो व्यंजन उनका जो उन्होंने टेस्ट, उसका जो स्वादन किया, उसने उन्होंने भूरी पूरी प्रशंसा की। और खासतौर पर जैसा 2023 का ये वर्ष मोटे अनाज का वर्ष चल रहा है, तो इस मोटे वर्ष के अनाज में, मोटे अनाज के इस वर्ष में, मिलेट ईयर के इस वर्ष में हमारे यहाँ मिलेट बहुत उपयोग होता है। उस मिलेट का जो पैदावार है उसके भी हम यदि कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं तो अपने आप में ये एक सोने पर सुहागा होगा। तो मैं इस नाते से आपसे उम्मीद करूंगा कि आप अपने प्रयास के माध्यम से इन चीजों को आगे बढ़ाएं। यदि आपका भी कोई सुझाव, यदि कोई विचार हमारे तक पहुंचाने लायक है तो निश्चित रूप से आप हमें सुझाएंगे, हम उस पर काम करेंगे। आप अपने इस काम को आगे बढ़ते करते रहिए। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद।